पुष्पा नाम सोच सकता समझेगा फायर एम। चलिए हम आ चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन में, दूसरी नीचे लिख दो हैशटैग फट्टू राहुल, ठीक है स्पैम कर दो पूरा स्पैम। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन में, दूसरी लोकेशन है जंतर मंतर, जो हर एक नेता की फेवरेट जगह है क्योंकि यहीं पर सारे धरने दिए जाते हैं और सारे जितने भी आंदोलन होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। हर नेता जाएगा जंतर मंतर में धरने देने, हर कोई भी जाएगा। तो फिलहाल अभी उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और फिलहाल क्या मस्त लग रहा है आगे से, तो हम चेक कराते हैं आपको आगे से। और एंड लुक एट दिस भाई साहब, देखो क्या मस्त नज़ारे। धूप ज़्यादा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको क्या सामान है और क्या नहीं है यहाँ पे। पहली बात, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, इसकी टिकट की जो प्राइस है वो राहुल ने पे करे हैं, तो इसको स्पॉन्सर कर रहा है हमारा दोस्त राहुल, जिसकी वजह से आज हम ये घूम पा रहे हैं। तो राहुल कोई बात नहीं, ये स्पॉन्सरशिप मैं याद रखूँगा। पूरा खर्चा मेरा वो पूरा खर्चा नहीं दिया इसने, आधा खर्चा दिया है। हाँ तो फिलहाल अभी चेक कराते हैं आपको यहाँ की ब्यूटी एंड लुक एंड लुक एट ये है। तो पहली बात तो ये जो है जंतर मंतर वो एक क्लॉक है जो पुराने ज़माने में टाइम दिखाती थी, अब ये एक्चुअली इतना वर्क नहीं करती है। कुछ टाइम पहले इसमें टाइम वगैरह देखा जाता था बट अभी तो नहीं वर्क करती। तो पहले हम चेक कराते हैं आपको वो क्लॉक कैसी है कैसी नहीं है। एंड यहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो मैंने मास्क भी नहीं लगाया तो पता नहीं क्या होगा। दैन वो चेक कराते हैं आपको, क्लॉक चेक कराते हैं। नीचे जाने का कुछ पता वता है नहीं, वैसे जाने नहीं देते होंगे ना, नीचे नहीं जाने देते होंगे, पर ये चेक करते हैं, चेक कराते हैं आपको। ज़्यादातर आपने जंतर मंतर की वीडियो में देखा होगा एक आइकॉनिक सा दिल होता है, उल्टा दिल, जो देखने में उल्टा दिल जैसा ही लगता है, तो वो आपको पहले चेक कराते हैं अंदर जाने के लिए। हाँ और ये कहते हैं भूल भुलैया होती है ना इसके अंदर, तुम्हें कुछ पता नहीं है, कुछ होता नहीं है। अच्छा नहीं यार यहीं होता है, जंतर मंतर में होता है। तो पहले हम वो चेक कराते हैं आपको। एंड ये देखिए ये है वो फेमस जगह जहाँ पे सारे जने लड़कियों के पास बस ये वाला दिल नहीं होता सीढ़ी अंदर जाने के ये लिए। है ना इग्नोर करो इस बंदे को। एंड यहाँ पे इग्नोर क्यों करो भाई, काम चला। हाँ बता 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 दिया जो बताना था, दोबारा नहीं बताता मैं। एंड ये देखो आप, और थोड़ा काम चल रहा है यहाँ पे, हमारी किस्में ज़्यादा ख़राब। तो फिलहाल हम क्या है यहाँ पे थोड़ा बैठते हैं और आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स वगैरह चेक कराते हैं। तो पहले आप सिनेमैटिक्स चेक करिए, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस अभी हमें पता लगा है कि हम इसके अंदर भी जा सकते हैं, तो दिखाएंगे आपको अंदर जाके अगर जाने दिया जाता है। तो फिलहाल अभी हम चेक कराते हैं आपको यहाँ की थोड़ी बहुत लोकेशंस, तो देखते हैं अंदर जाने देते हैं नहीं। एंड लुक एट दिस भाई, इसके अंदर बहुत कुछ है यार जाने के लिए, मैं ऐसे ही बोल रहा था कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है यार इसके अंदर जाने के लिए। हाँ रस्सी लगा रही है अंदर जाने के लिए, बंद कर रखा है ऐसे, बहुत कुछ है। वही होता है ये उसके नहीं लग रहा, जैसे स्पेन में होता है ना वो क्या नाम है वो बुल फाइट के लिए, अरे हाँ यार उसके अंदर ना रिंग टाइप की होती है स्पेन के अंदर, वैसा फील हो रहा है। ये नया बना है मेरे ख्याल से, कुछ इसी को कुछ एक्स्ट्रा तरीके से बनाया है, मस्त लग रहा है देखने में। फिलहाल ये पूरा प्रॉपर बना नहीं है, कुछ लोगों ने गंद फैला दिया अंदर भाई इंडिया है ये इंडिया, एंड इंडिया में क्या होता है कि हर जगह प्यार की निशानी छोड़ी जाती है। नहीं इंडिया में हर जगह अपनी प्यार की निशानी, पुष्पा लव रवि ये हर जगह लिख लव बाकी डैश 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 बकवास नहीं। और यार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली ये जो आप ये जो लाइन देख रहे हो इस साइड
ये जो लाइन है ये जो लाइन है ना, जो जो टाइम देखते थे ना वो एक्चुअली वहाँ खड़े होते थे एंड वहाँ से जो क्लॉक होती थी ना वो ऐसे रोटेट करती थी, उससे पता लगता था कि ये जो ये क्या टाइम हो रहा है, एक्यूरेट मिनट और सेकंड तक ये बताते थे कि क्या टाइम चल रहा है क्या नहीं, पर ये अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं करता क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह हो गए हैं। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे दिखा रहा होगा कि 2 बज रहे हैं। वो भाई जो चेक करने वाला था ना वो उसी को बता रहा था कि क्या चल रहा है। फिलहाल अभी क्या है कि थोड़ा थक गए हैं तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा ना आराम करते हैं। वो यहाँ पे राहुल कहाँ चला गया? राहुल खो मचा भाई, हाँ। तो फिलहाल क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं कहीं बैठने बैठने की जगह है नहीं है, और अगर बैठने की जगह मिलती है तो बैठते हैं और थोड़ी देर पैर को आराम करते हैं। और रहने भाई काम कर रहा है, तो फिलहाल अभी चेक करेगा। और फिर मैंने कहा आपको बताया था ना कि ये जो है कि डायरेक्शन से होती है, वो देखो ये है चीज़ है, देखो सन की जो डायरेक्शन होती है वो इस साइड से पड़ती है। ये भी एक कमरा, बहुत छोटे छेद दक्षिण छोटे छेद से पड़ने वाली छवि, मतलब छेद है वहाँ से, कुछ ऐसी चीज़ होती थी जिससे ये काम पड़ता था। एंड यहाँ पर सो गाइज हमें कुछ पता लगा कि इसके अंदर एक डार्क चैम्बर है जिस पे मतलब सनलाइट पड़ती थी और वहाँ से डायरेक्शन बनती है, तो नीचे था छेद 60 डिग्री का, हाँ। एंगल बनता है तो 10 बजते थे और इस साइड 10 ही बजे की, हाँ। और 10 बजते तो 60 डिग्री का एंगल ही होता है, तो ये कुछ इस टाइप से वर्क करती थी। तो भाई फिलहाल हमने ये देखो ये जो है ना वहाँ पे सनलाइट पड़ रही है और वहाँ से है ना ये जो परछाई है ना ये परछाई इससे एंगल बनता है, तो भाई कुछ इसी तरीके से वर्क करता था। और फिलहाल हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये अभी तक मतलब अभी हम थोड़ा है ना यहाँ पे आराम करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अगर पढ़ के पता लग गया तो आपको बताएंगे। फिलहाल इतने रखते हैं इसको और कहीं बैठते हैं। मैं देखो चैलेंज देता हूँ, एक पूरा कर देगा यहाँ पे नहीं। तेरे को है ना दो सब्सक्राइबर उड़वाने, कोई भी मतलब इतने बड़े पार्क में केवल तुझे 2 सब्सक्राइबर उड़वाने, उड़वा देगा ये फट्टू है भाई, फट्टू नीचे लिख दो हैशटैग फट्टू राहुल, ठीक है स्पैम कर दो पूरा स्पैम। सो गाइस कर लिया हमने थोड़ा सा आराम और हम यहाँ से जा रहे हैं कि हमें थोड़ा लेट हो रहा है, हमें एक जगह जाना है, कुछ हम लेने वाले हैं अभी हम बताएंगे नहीं, अगर वो फाइनल हो जाता है तो हम बता देंगे, अगर आपने गैस कर दिया से दिल मतलब कमेंट पे दिल दूंगा एक पिन करूंगा। तो फिलहाल यहाँ से हम निकलते हैं और मिलते हैं आपको, वो चीज़ जगह नहीं दिखाऊंगा जहाँ हम जा रहे हैं और सीधा आपको घर पे मिलते हैं, तो निकलते हैं आप यहाँ से। सो गाइस फाइनल में पहुँच चुका हूँ अपने घर और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, दो लोकेशन मैंने एक ही दिन कवर करी, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो इस व्लॉग को इतने ही रखते हैं और मिलते हैं आपको इसी भी अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो सो गाइज थैंक यू सो मच, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो आप उसको दिल से धन्यवाद मैं देना चाहूँगा उनको। सो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आती रहेंगी और नेक्स्ट जो लोकेशन हो रही है वो मैं अभी रिवील कर देता हूँ, जो लास्ट तक देख रहे हो उन्हें पता लग जाएगा कि अगली लोकेशन होने वाली है हमारी कुतुब मीनार। अगर वो खुला होगा तो आई डेफिनेटली मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा अगले संडे को। तो अगर चैनल को अभी तक देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर देना, और मिलते हैं आपको कुतुब मीनार वाले ब्लॉग के साथ, और इसके बाद आने वाला है एक डेढ़ चैनल ब्लॉग तो वो भी देख लेना, और बस प्यार बरसाओ फिलहाल, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।